वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और इस न्यूज को आगे भी बढ़ाइएगा कि लोगों को पता चल सके कि इस तरह का कानून लागू। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज जो लेके आया हूं, और जितने भी सऊदी में काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं, चाहे जिस भी कंट्री से हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्त। मेरे लिए हो, चाहे जितने भी सऊदी में वर्कर टाइप के लोग हैं, इंजीनियर वर्कर, हर तरह के लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, जिस कंट्री से भी आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है ये, और बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आगे ये क्या न्यूज है मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस न्यूज को और इस कानून को, जो सऊदी जो है आज तक ऐसा कानून नहीं लाया है, बहुत से कानून आया हम लोगों के लिए, हम लोगों के हित में, हम लोगों के फेवर में, लेकिन ऐसा कानून आज तक गवर्नमेंट नहीं लाई थी। लेकिन ये कानून जो है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत ही अच्छा न्यूज है, क्योंकि ऐसे हमें मालूम है, मैं खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं देखा हूं कि न जाने कितने लोग इस लॉ के हिसाब से बर्बाद हो गए गए उनके पास आज कुछ भी काम नहीं है। तो उन लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और बहुत ही अच्छी न्यूज है और बहुत ही अच्छा कानून है जो सऊदी गवर्नमेंट लेके आया। हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए और इस न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस लॉ को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ से। जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों के लिए आता रहे। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और ये कानून कैसा लगा आप लोगों के लिए, ये कानून में किस किस भाई को फायदा होने वाला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट जो है, आप एक बार यहाँ से चले जाते थे, री एंट्री एग्जिट वीजा पे आप छुट्टी जा रहे हैं या किसी तरह से भी आप जा करके आप इमरजेंसी गए और किसी कारण से आप लोग वापस नहीं आ पाए, आपका वीजा एक्सपायर हो गया। कि जैसे मेरे साथ लास्ट टाइम अभी हुआ कि मेरे पास 2 दिन वीजा था और मेरी फ्लाइट में, जो पटना से दिल्ली के लिए मैं डोमेस्टिक फ्लाइट किया था, उस फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम आ गया और वो वापस लैंड वापस पटना किया, तो मैं आ नहीं पाया। और मैं वहां पे, मतलब सऊदी में आते आते मैं तो 2 दिन वीजा था, अगर 2 दिन ये टाइम नहीं होता तो मैं नहीं आ पाता। तो आप लोग इशारा समझ गए होंगे कि किस कानून के बात करते हो। चलिए कानून की तरफ और न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज है आज के लिए हम सभी के लिए। तो होता था क्या कि आप लोग किसी भी कारण से आप लोग आते नहीं थे, छूट जाते थे, किसी का कोई तबीयत खराब हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी न किसी वजह से हम लोग काम करने वाले जाते हैं और वहां छूट जाते हैं और आपका वीजा एक्सपायर हो जाता था। एक्सपायर होने पे आप कंपनी को कॉल करते थे, जो भी है बोलते थे कि भाई वीजा, तो वो लोग क्या बोलता था कि आपको 20 दिन 25 दिन पहले बोलना पड़ेगा, क्योंकि वीजा अब एक्सटेंड नहीं हो सकता है, आपका रिन्यूअल नहीं हो सकता था। अभी तक ऐसा ही था और ऐसा ही होता था, ठीक है। तो अब क्या है, अब आप लोगों को क्या होता था कि आप लोग नहीं आए तो 3 साल का बैन लगता था, सऊदी में 3 साल तक आप नहीं आ सकते थे। लेकिन दोस्त, न्यूज यही है, ब्रेकिंग न्यूज यही है, खुशखबरी यही है कि इस कानून को जो है हटा दिया गया है, इस कानून को खत्म कर दिया गया है। अब जो है आपका अगर किसी तरह से भी आप आ नहीं पाते हैं और किसी तरह से भी आपको किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आप जो है, आपका वीजा एक्सपायर हो जाता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर को बोल करके, आप अपने कंपनी को बोल करके वीजा को एक्सटेंड करा सकते हैं और आप इंटर हो सकते हैं। जो भाई भी, ये कानून जो है 16 तारीख से लागू हुआ है सऊदीया में, और ये बहुत अच्छी कानून है, 16 तारीख से लागू हो गया है कि जो भाई री एंट्री एग्जिट पे गए थे, जो भाई गए और किसी कारण से वापस नहीं आ पाए, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, कोरोना में बहुत से लोग गए, ठीक है, और वहीं फंस गए और वह इंतजार करे 3 साल। अभी लोग का जो 3 साल खत्म हो गए, लोग आना चाह रहे हैं। तो दोस्त, ये कानून को हटा दिया गया है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, इस कानून को हटा दिया गया है, 16 जनवरी से लागू हो गया है। जो भी दोस्त गए और किसी कारण से वापस नहीं आए और 3 साल का जो बैन लगा हुआ है,
तो ये बैन को अब खत्म कर दिया गया है, आप वापस आ सकते हैं। इससे दो बेनिफिट है, एक अभी जो नए नए लोग गए होंगे इस तरह का किसी कारण से 2 महीने 4 महीने जो हुआ और फंस गए नहीं आए, तो वो अपने कंपनी में आ सकते हैं, वापस अपने कंपनी से बात करके आ सकते हैं, और वो जो है यहाँ से वीजा निकाल के भेजेगा, आप आ सकते हैं। जो दोस्त को साल भर 2 साल हुआ और वो नहीं आ पाए, तो आप सऊदी में इंटर कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। इस चीज को खत्म कर दिया गया है क्योंकि यहाँ का जो कुछ बिजनेसमैन जो कंपनी जो है जवाजात से मांग किया गया था, तो जवाजात जो है 16 तारीख से अनाउंस कर दिया है कि हम इस कानून को खत्म कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, मुझे तो पर्सनली बहुत खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि गए और किसी कारण से नहीं आ पाए, तो वो जो है अब आ सकते हैं, इंटर कर सकते हैं और नया वीजा लेकर के भी आ सकते हैं, और री एंट्री एग्जिट वीजा को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपना हकामा को बढ़वा सकते हैं, अपने टिकट को बढ़वा सकते हैं। लेकिन बशर्ते उन्हीं के लिए ये कानून है जो लीगल वे में है, जिसका फिंगर यहाँ पे है, फिंगर होना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि आप गए किसी तरह से भी, आपको यहाँ से एग्जिट भेज दिया गया और आपको ऊपर बैन लगा हुआ, वो लोग नहीं आ सकते हैं। वही लोग आ सकते हैं, इस कानून को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, वही लोग आ सकते हैं जो री एंट्री वीजा पे गए और किसी कारण से वापस नहीं आ पाए। आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ और आप वापस नहीं आए, तो ये कानून का फायदा वही लोग ले सकते हैं। तो बहुत से लोग को मुझे मालूम है कि बहुत से लोग गए और किसी न किसी कारण से वापस नहीं आ पाए, तो दोस्त आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, आप इस कानून के फायदा उठा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। और ये जो कानून जो न्यूज है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो पे, इसी तरह का कोई भी वीडियो पे आप लोगों को, चाहे जॉब वैकेंसीज हो जो भी हो, इस तरह के वीडियो पे आप मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस न्यूज को जरूर शेयर कीजिएगा कि जो इस तरह के लोग फंसे हुए हैं तो आ सके और सऊदी में दोबारा वो कमा सके, क्योंकि बहुत लोग जो है चाहते हैं कि हम सऊदी में ही वापस आए। तो दोस्त वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा और इस न्यूज को आगे भी बढ़ाइएगा कि लोगों को पता चल सके कि इस तरह का कानून लागू हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।